हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बड़ी खबर इस समय की हम आपको बता दें, दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी लॉकडाउन के दौरान क्रिकेट खेलने दिल्ली से हरियाणा के सोनीपत पहुंच गए। मैच के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी उल्लंघन हुआ। हरियाणा सरकार के आदेशानुसार खिलाड़ी और आम आदमी खेल स्टेडियम में जा सकते हैं, लेकिन वहां भीड़ नहीं जुट सकती। लेकिन मनोज तिवारी गांव शेखपुरा के क्रिकेट एकेडमी में भीड़ के बीच पहुंच गए। यहां पर उन्होंने मास्क भी नहीं पहना हुआ था और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान नहीं रखा हुआ था। गाना भी गुनगुनाया मनोज तिवारी ने, तो मैच में सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी इस समय हरियाणा पहुंचे हुए हैं सोनीपत स्टेडियम में। मास्क भी उन्होंने नहीं लगा रखा है और मुझे हैरानी इस बात की हो रही है कि हरियाणा सरकार ने वैसे तो अपने बॉर्डर्स को सील किया हुआ है, नौकरी पेशा लोगों को बॉर्डर पार नहीं करने दिया जा रहा है, ना डॉक्टर्स दिल्ली से हरियाणा जा पा रहे हैं, ना हरियाणा से कोई दिल्ली आ पा रहा है। ऐसे में क्या बीजेपी के अध्यक्ष को ये इजाजत थी कि वो बॉर्डर पार करके सोनीपत पहुंच जाएं दिल्ली से? सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा गया, मास्क नहीं लगाया गया, क्या ये जो नियम कायदे कानून है वो सिर्फ आम आदमियों के लिए गरीबों के लिए है? नेताओं के लिए कोई नियम कायदे कानून नहीं है? क्रिकेट के चक्कर में मनोज तिवारी जी नियमों का उल्लंघन करते हुए नजर आए। और हम आपको बता दें कि खट्टर सरकार ने बॉर्डर सील किए हुए हैं हरियाणा के। अगर किसी आदमी को नौकरी करने के लिए दिल्ली से गुड़गांव जाना है किसी पुलिस वाले को या डॉक्टर को, तो वह इजाजत नहीं मिलती है। लेकिन क्रिकेट खेलने के लिए बीजेपी के दिल्ली अध्यक्ष मनोज तिवारी को इजाजत मिल गई। मैच खेलते समय भी सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। जगविंदर पटियाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। जगविंदर, वैसे तो आम आदमी को इजाजत नहीं है बॉर्डर पार करने की, पुलिस वाले जा नहीं पा रहे हैं अपनी नौकरी करने के लिए गुड़गांव से हरियाणा दिल्ली, और अब यहां पर बीजेपी के अध्यक्ष का मसला है, दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष का, तो सारे नियम कायदे कानून ताक पर? देखिए, ये लोग जो है ना, ये पुलिस वाले डॉक्टर हैं शोभना, ये सब कर रहे हैं कोरोना वॉरियर और फ्रंटलाइनर के तौर पर काम, लेकिन जो नेता है ना, ये अपनी दुकानदारी चमका रहे हैं, इसलिए इनके लिए कोई बॉर्डर पर कहीं कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन जो कोरोना वॉरियर या फिर जो फ्रंटलाइन पर काम करने वाले लोग हैं, उनकी सरकार नहीं सुनती। हरियाणा में बीजेपी की सरकार है और ये एक हफ्ते के अंदर दूसरा मामला सामने आया है जब ना सिर्फ भीड़ जुटाई गई बल्कि मनोज तिवारी के कार्यक्रम में, देखिए मनोज तिवारी बिना मास्क के घूम रहे हैं, इनके लिए क्या लागू नहीं होता है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में? इनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए जब आम आदमी के खिलाफ होता है। इनके अगल बगल में देखिए लोग किस तरह से खड़े हैं, उन्होंने भी आधों ने मास्क पहने हुए हैं, आधों ने नीचे किए हुए हैं। तो इन्होंने इसको डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को और कोरोना की लड़ाई को अपने घर की लड़ाई बना लिया है कि जब चाहेगा। जगविंदर, मैं आपको रोकूंगी।